दोस्तों, जैसा लगता है कि HDFC बैंक के लिए कोई भी पर्टिकुलर ऐसा माहौल नहीं बन रहा कि उसके लिए कोई पॉजिटिव अपडेट आए। अब देखिएगा, बिना चाहे मतलब कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस पर्टिकुलर अपडेट के बारे में कि ऐसा भी पॉसिबल है। और ये प्रॉब्लम जो है वो रिलायंस के लिए भी आई है, क्योंकि यहां पे स्टेक डाइल्यूट होगा, स्टेक देखिएगा कट होगा, वो भी वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टर से। तो आप देख सकते हैं अपडेट आ चुकी है HDFC बैंक के लिए, दो बुरी खबर फिर से आ गई हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे क्रिस वुड कौन है भी बताएंगे हम आपको, उन्होंने क्या कहा है, वो अपना स्टेक किन स्टॉक्स में कम करने वाले हैं, जिसमें से HDFC बैंक का नाम टॉप पर है, और किसमें वो एड ऑन करने वाले हैं वो भी उन्होंने बताया है। लेकिन ये बहुत बड़ी पैनिक की बात होती है जब आपका देखिएगा समय अच्छा ना चल रहा हो और आपको और देखिएगा एक से एक बुरी खबर देखने को मिले। तो यहां पे HDFC बैंक का वेट और कम किया जाएगा, क्योंकि यहां पे ऐड देखिएगा क्रिस वुड नहीं कर रहे हैं, इन्हें रिड्यूस कर रहे हैं। तो एक एक करके सबसे पहले मैं आपको सोर्स बता देता हूं, तो आप NDTV प्रॉफिट पे जाके पढ़ सकते हैं। तो क्रिस वुड ने कहा है कि वो एयरटेल को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, अपने इंडियन पोर्टफोलियो स्टॉक पे ऐड करेंगे और कट करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री का स्टेक और HDFC बैंक का स्टेक। तो आपको पता है रिलायंस निफ्टी को नंबर दो पे सपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा वेटेज है उसका, और HDFC बैंक का वेटेज नंबर वन पे है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे बताया जा रहा है व्हाइल इन्वेस्टमेंट इन RIL विल बी लोवर्ड बाय, यानी कि जो RIL में वो अपना स्टेक कम करेंगे वो 3% से करेंगे, 3% से करेंगे, और HDFC बैंक में वो अपना वेट देखिएगा रिड्यूस करेंगे 2 पॉइंट से। अब यहां पे आपको समझना होगा कि ये 2% और 3% इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां पे ये 2% और 3% बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे ये एक्चुअल में क्रिस वुड है कौन, ये आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारतीय एयरटेल हैज बीन एडेड टू द इंडिया लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो, यानी कि इंडिया के लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में एक स्टॉक ऐड होगा वो है एयरटेल। और अगर यहां पे देखेंगे द ग्लोबल लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो ऑफ क्रिस वुड, यानी कि ये जो क्रिस वुड है इनका लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो होता है, और ग्लोबल हेड हैं ये जैफरीज के। अगर आप देखेंगे जैफरीज फाइनेंशियल ग्रुप, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, ये रेटिंग करते हैं कंपनीज की स्टॉक्स की, और इसके हेड हैं ये, हेड इक्विटी स्ट्रेटजिस्ट हैं ये। तो आपको पता है कि इनके हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट होता है, ये अपना रिसर्च करते हैं, देन आफ्टर दैट वो इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो आप समझ सकते हो इतना बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप जब 2% का स्टेक कट करता है तो वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 3% का कट करता है तो वो भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि ये एक पर्टिकुलर फॉरेन पोर्टफोलियो देखिएगा इन्वेस्टर हैं, और ये भी देखिएगा यहां पे HDFC बैंक में अपने स्टेक को अगर कट करना चाहते हैं तो ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है, किसके लिए, HDFC बैंक के लिए। तो इन्होंने 3% ऐड करने की बात करी है एयरटेल को, और अगर आप देखेंगे और यहां पे रिलायंस इंडस्ट्री में और देखिएगा HDFC बैंक में ये अपना स्टेक क्या करेंगे, कम करते हुए रिड्यूस करते हुए देखने को मिलेंगे आपको 2% से। अगर आप देखेंगे 2% से, वाइल द इन्वेस्टमेंट इन एक्सिस बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल बी इंक्रीज बाय परसेंटेज पॉइंट द नोट सेड। तो आप देख सकते हैं कि सारे बैंक्स देखिएगा अलग हैं, लेकिन HDFC बैंक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका वेटेज निफ्टी बैंक में टॉप पर है और निफ्टी 50 में भी टॉप पर है, और ऑलरेडी ये स्टॉक 15% गिर चुका है। तो आप देख सकते हैं ये एक निगेटिव अपडेट है। इसके अलावा HDFC बैंक को एक और झटका देखने को मिला है कि इन्होंने लोन की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, तो इनका जो क्रेडिट क्रिएशन है वो थोड़ा सा आपको इंपैक्ट करते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इनके लोन महंगे हो गए हैं और जो आपकी किस्तें हैं वो भी महंगी हो गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हो पूरी तरीके से अपने कस्टमर को इन्होंने काफी बड़ा देखेगा झटका दिया है। बैंक ने अचानक MCLR दरों में इजाफा कर दिया है, मार्जिन से रिलेटेड आपको पता है इंपैक्ट पड़े थे किसमें, जब आया था रिजल्ट, और वहां पे देखिएगा अचानक से ये फैसला लिया गया है,
जो कि एक तरीके से देखिएगा काफी पेनफुल है जितने भी ग्राहक हैं इनके, तो ये भी एक तरीके की निगेटिव अपडेट है जो इंपैक्ट करेगी नेक्स्ट वीक HDFC बैंक को। सो बी कॉशियस, बी प्रिपेयर्ड। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।